राइट चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं BTST एपिसोड 2। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का स्वागत है। BTST एपिसोड 1 में व्यूज़ अच्छे आए पर लाइक्स अच्छे नहीं आए, तो मेक श्योर कि जितने लोग देख रहे हैं उतने ज़्यादा लोग यहाँ पे लाइक करोगे तो मैं आज आप लोगों के लिए एक OI का भी कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। तो मेक श्योर कि वीडियो को अगर 500 लाइक्स आते हैं तो और आगे ही ऐसे छोटा अच्छा नॉलेज यहाँ पे देखने मिलेगा। अभी यहाँ पे मार्केट का हाल देख लेते हैं। ठीक है, BTST में हम लोग यहाँ पे क्या लेके जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट में अभी यहाँ पे क्या है, एक जो सपोर्ट है वो मार्केट के पास, ये आखिरी सपोर्ट है, दिस इज दी लास्ट सपोर्ट। ठीक है, 17,800। तो और लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट में आज क्लोजिंग 17,921 अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है 17,921 के नीचे आ जाएगा तो हम लोग क्या है पुट साइड प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर 921 के ऊपर आएगा तो हम लोग प्लान कुछ नहीं करेंगे। क्यों प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि कल क्या है, कल है आपका मतलब आज रात का क्या है, फेड मीट है। ठीक है, अगर फेड मीट है तो फेड मीट के आउटकम पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा। तो अगर यहाँ पे एक एडवाइस क्या है, अगर आपके पास दो पुट है तो यहाँ पर आपके पास एक कॉल होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, 17,921 के नीचे यहाँ पे, क्योंकि ये क्यों है, रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे एक क्या है, ये पूरा एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है यहाँ से। ये कौन सा पैटर्न है मुझे नीचे कमेंट पे बता देना, सर्च करके बताओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से अगर इसके ऊपर आएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या है बाय साइड करेंगे, लेकिन द ओवरऑल व्यू इज़ डाउन साइड। वो क्यों है अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन चेन बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक में यहाँ पे क्या है, लोज यहाँ पे टेस्ट कर चुका है यहाँ पे कंटिन्यूसली। तो अगर यहाँ पर 42,000 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आती, अभी क्यों आएगी मैं बता देता हूँ, 42,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो यहाँ पर ये अगर कल गैप डाउन भी खुलता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे हमें 41,500 यहाँ पर देखने मिले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये चीज़ देखो, क्योंकि अभी भी मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो पुट है तो एक कॉल होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, बट द ओवरऑल सेंटीमेंट इज़ डाउन साइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ये OI है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो, ये आपका क्या काम कर रही है, एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब 17,900 के ऊपर यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 17,921 इसके ऊपर मार्केट नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर आएगा तो फिर मार्केट क्या है ऊपर की तरफ अटेम्प्ट करेगा। यहाँ पे जितने भी कॉल साइड जितने भी थे या जब पुट सेलर बोलते हैं वो सब क्या है यहाँ पर हट चुके हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो सेंटीमेंट्स है वो डाउन साइड है। इवन मैं निफ्टी बैंक का भी दिखा दूं, निफ्टी बैंक में भी देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर अगर देखोगे तो 42,000 क्रॉस करना यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रैप होंगे तो जाके आएगा, वरना जो व्यू है वो क्या है डाउन साइड है, क्योंकि नीचे से कोई भी मार्केट को यहाँ पर कुछ खास सपोर्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो और एक और चीज़, एपिसोड 2 है ये, एपिसोड 1 वाले को प्यार मिला, व्यूज़ भी अच्छा है, पर जो लाइक्स की जो कमी थी वो यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, मैंने आपको HDFC दिया था, HDFC बैंक, ठीक है, वो आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% से डाउन है। ठीक है, एक जैकपॉट कॉल था, ठीक है, जैकपॉट कॉल था, वो 70 से यहाँ पर आज 160 प्लस हो चुका है। तो आप लोगों ने कितना प्रॉफिट बुक किया मुझे वो चीज़ बता दो, मैं फटाफट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। बट मेक श्योर कि ये वीडियो का लाइक, जो लाइक है वो मैं 500 टारगेट लेता हूँ, और फटाफट लाइक कर दो, फिर चीज़ समझ में आ गई ना, दो पुट तो एक कॉल बिकॉज ऑफ न्यूज़ ड्रिवन मार्केट। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे अगले एनालिसिस में।